ए आई वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? सुबह के 8:45 हो रहे हैं और आज हमारी एक मीडिया वर्कशॉप है, जो कि वर्कशॉप नहीं कहेंगे, मतलब मीडिया मीटिंग है और स्टेक होल्डर्स की मीटिंग है मोहनलालगंज में। तो अभी हम ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से प्रोजेक्टर वगैरह सब उठाना है, हमारे एक साथी मनीष उनको पकड़ के बैठाना है और उसके बाद कार्यक्रम आज का शुरू होता है। ओके, अभी हम और मनीष भाई जो है चल चुके हैं मोहनलालगंज की तरफ। मनीष भाई मुस्कुराते हुए सदाबहार, सभी लोग हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो एकदम आपको पहचान गए कि मनीष भाई परमानेंट। सभी का हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। नदीम जी का चैनल सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद धन्यवाद मनीष जी, जिंदाबाद। चलिए फिर चलते हैं मोहनलालगंज। आज मोहनलालगंज में मीडिया और स्टेक होल्डर्स दोनों होंगे ना? जी जी, आज आपको मीडिया के लोग मिलेंगे, वहाँ पर प्रधान मिलेंगे और वहाँ पे तमाम एक्टिव स्टेक होल्डर मिलेंगे जो हमारे कार्यक्रम में लगातार हमारा सहयोग करते हैं। उनकी स्टोरीज आपको सुनने को मिलेंगी। जी जी, तमाम गवर्नमेंट के लोग भी रहेंगे वहाँ पे। आज आपको मीडिया के तमाम साथी वहाँ पे मिलेंगे जिनके साथ हम हमारे कार्यक्रम को लेकर बात कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर चलते हैं। देसी लस्सी गाँव की, इससे बेहतर क्या मज़ा आ गया भाई गर्मी में। इनकी इनका चेहरा देखिए, चेहरे पर रौनक का हा खुशी है। नाम पूछे, क्या नाम है भैया? क्या शुभ नाम है आपका? मुन्ना। मुन्नन, कितने साल से लस्सी बना रहे हैं हम? लेकिन लस्सी के साथ साथ मसाला ही बेच रही है, गलत कर रहे हैं। हाँ, मसाला भी यहाँ मसाला लस्सी के साथ कॉम्बो जम नहीं रहा है फिलहाल। चलिए बाबू जी, बेटा तुम ही बाबू लग भी रहे हो, हम लोग तो नहीं लग रहे। धन्यवाद। तुम्हें नहीं मिली लस्सी? ये है हमारे आज का वेन्यू, घर की रसोई। अब गांव देहात में काम करने का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि मीटिंग वगैरह के लिए वेन्यू मिलना थोड़ा सा दिक्कत है। क्या करें, फिलहाल सह लेंगे, थोड़ा मैनेज तो करा ही जाएगा किसी ना किसी तरीके से। तो दोनों को समान अधिकार मिलने चाहिए, इसलिए हम लोग बातचीत करते हैं किशोरियों के साथ, लड़कियों के साथ, ताकि वो भी अपने सपनों को पूरा करें, उनके साथ कोई छेड़खानी न करे, बदतमीजी न करे, कोई गलत फोटो खींच के वायरल ना करे, क्योंकि घर के अंदर भी बहुत सारी हिंसाएं होती है। पर्दे के अंदर सास करती है, ससुर करते हैं, हस्बैंड करते हैं, जबरदस्ती शारीरिक शोषण करते हैं, यहाँ तक दहेज के लिए भी बहुत सारी महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है कि तुम मोटरसाइकिल लेके नहीं आई हो, तुम्हारे पापा ने इतना पैसा नहीं दिया, बस मुंह उठा के तुम चली आई। देखा जाए तो ब्रेक थ्रू का एक अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, सभी लड़कियों और महिलाओं को एक समान अधिकार मिल पाएगा। आज का कार्यक्रम समाप्त हो गया है और हम लोग एक ऐसी जगह पे वर्कशॉप कर रहे थे जहाँ पर ना एसी काम कर रहा था ना पंखा, और हाल बेहाल हो गया। क्यों मनीष भाई, मजा आया? तीनों ब्लॉकों में सबसे ट्रेमेंडस एक्टिविटी हुई, बिना पंखे की बिना एसी की। लोग परेशान थे लेकिन फिर भी सुनने का इंटरेस्ट था। मुझे सर मुझे सबसे बढ़िया वो लगा जो शख्स एक था ना जो डोमेस्टिक वायलेंस से फिर वो दहेज तक पहुंच गया और फिर उसने हिंसा को जायज़ ठहराना शुरू कर दिया। मतलब ये एक कॉमन मिथ है, इनफैक्ट हम जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनको, खास करके जर्नलिस्ट के साथ, उन्हें लगता है कि मारपीट और हिंसा जो है बहुत जायज़ है। मतलब किसी भी सोल्यूशन के लिए किसी को आप मार पीट सकते हैं, जबकि ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि हिंसा किसी भी रूप में जायज़ नहीं है। क्यों मनीष? निश्चित तौर पर, क्योंकि वहाँ पर जो उनके ही साथी थे वो उनको रोक रहे थे कि आप बोल क्या रहे हो, किसके सामने बोल रहे हैं, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा था कि मैं जो बोल रहा हूँ वो पूरी तरह सही है, जबकि सामने वाले जो लोग थे वो उनको बता रहे थे कि भाई आप बोल क्या रहे हैं, ये तो पूरी तरह से गलत है। आप खुद सोचिए, क्योंकि आप एक
बहुत ही ऐसे पद पे हैं जो बहुत गरिमामयी है, और अगर यहाँ पर आप इस तरह की बातचीत करेंगे तो जो लोग आपको समझाने आए हैं उसका अर्थ से अनर्थ निकल जाएगा। एक्चुअली कई बार लोग अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं। तो मनीष भाई थैंक यू सो मच आज के पूरे सपोर्ट के लिए, आपका सपोर्ट था तभी विस्फोट हुआ मजबूत। और आपकी टीम में ज्योति हैं, मीरा है और दुर्गेश हैं, इन सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू बोल दीजिएगा। आपके लिए भी विशेष विशेष धन्यवाद, विनम्र। चलते हैं ऑफिस। तो भैया हमें आज जो एक बहुत मशहूर शख्सियत मिल गए हैं, ये फुआद भाई हैं, और ये माशाल्लाह जो है इनके चेहरे के नूर पे मत जाइए, मतलब नेक आदमी है, कहने का मतलब ये है। उसके अलावा जो है ये बहुत अच्छे टीचर हैं, और टीचर के साथ साथ शौकिया तौर पे राइडर हैं, काफ़ी दूर दूर तक इन्होंने राइड करी। लद्दाख जा चुके ना? नहीं लद्दाख नहीं गए, स्पीति गए थे। स्पीति गए थे भैया, तो इस उम्र में हम तो नहीं जा पाए हैं, ये जा चुके हैं। और संतूर पापा हैं, चेहरे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, त्वचा से पता नहीं चलेगा। अभी संडे को स्पीति से आए हैं, तो सिर्फ इतना बता दीजिए, ज़्यादा नहीं 30-40 सेकंड में, कि स्पीति जाने पर लोग कहते हैं ना कि ये करें ये फैंटम बने, आप सिर्फ इतना बता दी क्या नहीं करना चाहिए लोगों को। लोग नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये तो मैं देखता हूँ, इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं कि स्पीति में अगर आप जा रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और ये चीज़ ना करें? देखिए सबसे पहली चीज़ तो जो लोग स्पीति जाते हैं नॉर्मली कोशिशें करते हैं कि वो मनाली के थ्रू स्पीति जाते हैं, हम कहेंगे आप शिमला के थ्रू स्पीति जाइए, रास्ता ज़्यादा खूबसूरत है, आपको रास्ते में जो चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे स्टॉप लेने का आपको ज़्यादा वक्त मिलेगा। फिर स्पीति से जो मनाली का रास्ता है वो फाइनल केक ऑन द आइसिंग है, उसके आगे फिर कुछ नहीं मिलने वाला है आपको, उसके आगे फिर आपको नॉर्मल रोड मिलेंगी। मनाली तक का रास्ता जो है वो 4-लेन हाईवे बन चुका है, वहाँ लगेगा ही नहीं, आप पहाड़ों में चल रहे हैं। कितने दिन लगे आपको स्पीति जाने में? हमारा आने जाने की ट्रिप 7 दिन में। बेहतरीन है, मतलब 7 दिन स्पीति इन। 7 दिन स्पीति इन, हम लोगों ने थोड़ा सा ड्राइव ज़्यादा भी किया था क्योंकि हम लोग लौटते वक्त थोड़ा ज़्यादा डिस्परेट हो गए थे घर आने के लिए, तो हम लोगों ने 1-1.5 किलोमीटर एक साथ कर दिया था उठा कर, जो कि नहीं करना चाहिए, जो कि नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर आपकी बाइक इजाज़त देती है तो और आपकी हिम्मत है तो आप कर लीजिए, क्योंकि लौटना जो होता है वो इंसान को ज़्यादा बोरिंग लगता है, तो लौटने का रूट हमेशा आसान रखिए। और उसके अलावा स्पीति जाइए तो कोशिश ये कीजिए कि शहर के अंदर ही अपना होटल वगैरह लीजिए, बहुत छोटा सा शहर है, पानी बिल्कुल वेस्ट मत कीजिएगा, पानी बिल्कुल नहीं है उस शहर में, बहुत दिक्कत है लोगों को पानी की वहाँ पर, तो पानी बिल्कुल वेस्ट मत कीजिएगा। उसके अलावा अगर हिक्किम जाइए जो वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, तो अपने जितने भी लोग हैं उन सबको पोस्ट कार्ड ज़रूर भेजिएगा, हमेशा के लिए यादगार हो जाती है कि आपने उन्हें पोस्ट कार्ड भेजा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के जो हमने गलती की थी, हमने सनस्क्रीन नहीं लगाया था जब हम कोमिक गए थे वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज, हमारा ज़बरदस्त सनबर्न हुआ था। आप सब लोग सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए, अच्छा वाला लगाइए, बहुत सारा लगाइए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सनबर्न होता है। ऑलराइट, तो घर पहुँच चुके हैं, खाना ना खा लिया है और ब्लॉग भी एडिट करना है इसके बाद, तो लोग का मैं एडवांस एक दिन एडवांस में ही मैं लेकर के चलता हूँ ब्लॉग को। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएँ, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से भी करवाएँ, आसपास के लोगों से भी बोलें, हमारा परिवार बढ़ रहा है धीरे धीरे, यूट्यूब फैमिली हमारी बढ़ रही है, तो होपफुली ग्रो करेंगे ही हम साथ में। तो अनेक नहीं देखी यार, आज भी नहीं देख पाए टाइम में, कल 100% अनेक देखेंगे और उसका रिव्यू भी करेंगे आपके लिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग में यानी कि कल, तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।